खुशियों का त्यौहार दीपावली जल्द ही आने वाला है और वहीं इस दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सौगात दी है, जिसके अंतर्गत अभी लगातार पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई से लगातार देश की जनता भी परेशान है तो वहीं राज्य के कर्मचारी भी परेशान है। वहीं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अंतर्गत 3% तक की छूट दे दी गई है, यानी कि 3% इनको जो पहले महंगाई भत्ता दिया जाता था उसमें 3% महंगाई भत्ता और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो पहले महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता था 28%, वह अब बढ़ करके 31% तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राज्य के कर्मचारियों के लिए सौगात दी है, वह क्या सौगात है और इससे राज्य के कर्मचारियों को आखिरकार क्या कुछ फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा और बोनस संबंधी सभी जानकारी की तमाम रिपोर्ट के अंतर्गत देखिए हमारे इस तमाम रिपोर्ट में कि आखिरकार किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी और तथर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दे दी है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर तय होगी। पूर्व में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर करी गई थी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, वहीं अब यह 3% बढ़ने के बाद में 31% हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय का लाभ करीब 8 लाख अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को भी मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दे होगा। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि या सामान्य प्रावधायी निधि SAB खाते में जमा की जाएगी। अक्टूबर 2021 के वेतन से इसका नगद भुगतान किया जाएगा। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। वहीं राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज 19 जयपुर।